सिरोंज से हमारे संवाददाता बाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। शासकीय मदिरा की दुकान से ही मदिरा खरीदें। 15 अगस्त की शुभकामनाएं। 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। नगर पालिका का बकाया कर, संपत्ति कर, समकित कर, जल का समय पर भुगतान करें। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के हाई स्कूल ग्राउंड में 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जनपद अध्यक्ष जितेन बघेल ने झंडा फहराकर सलामी ली और मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन किया, फिर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को विस्तार से अवगत कराया। मंचासीन जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर विचार व्यक्त किए गए। मंच पर सत्ता पक्ष के नेता ज्यादा नजर आए, विपक्ष के नेता कहीं भी नजर नहीं आए। क्षेत्रीय विधायक व उनके प्रति विधायक व प्रतिनिधि कहीं पर भी नजर नहीं आए, जो जनता से चर्चा का विषय बना हुआ है। शासकीय अशासकीय स्कूलों की रैली बाजार से होती हुई हाई स्कूल ग्राउंड में एकत्रित हुए। स्कूल में छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गीत कर नृत्य कला कर अपनी प्रदर्शन किया। हल्की सी बारिश की वजह से पंडाल धराशायी हो गया, जिसमें कुछ छात्र और छात्राएं दब गई, जिन्हें पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद कुछ समय बाद पूर्व पंडाल का धराशायी हो जाना जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। सिरोंज से कैमरामैन अंशु खान के साथ बाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। से हमारे संवाददाता अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने दी अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत माता के वीर सपूतों में से एक थे, जिन्होंने अपना जीवन 50 वर्ष भारत माता की सेवा में लगा दिया, हमेशा सेवा धर्म की राजनीति करते हुए दूसरों को सही मार्ग चलाने की प्रेरणा दी। आज उनके दुखद निधन हो गया। ये भारत वर्ष के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति हुई, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, ना ही दोबारा ऐसा वीर पुरुष जन्म ले सकता। ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मलकान सिंह जाट ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित देते हुए कहा। और वहीं रायसेन में भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई पत्रकारों ने। रायसेन में पत्रकारों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रदान की। सारंगपुर से हमारे संवाददाता गुलाम हसन की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के ग्राम पंचायत करौंदी जिंदगी में एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम में नगर के सभी वासी जहां एक धार्मिक स्थल मंदिर है, उसके सामने स्वस्थ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जनप्रतिनिधि ग्राम करौदी में मंदिर के सामने गंदगी ही गंदगी। सरपंच प्रतिनिधि जामेश्वर जी ने आगे से ये चौक में देखो नहीं, ये सारे तो कीचड़ हो रही है। ये कांक्रीट कब हुई थी? कांक्रीट तो हो गए 6-7 साल हो गए। 7-8 साल हो गए, फूटी गया ज्यादा हो गए। तो ये गंदगी से आप परेशान है? मतलब यहाँ की जगह परेशान है। तो ये पंचायत क्यों नहीं करवा रही है? पंचायत में पैसे ही नहीं है, पंचायत में बहुत काम करा दिया। अच्छा अच्छा। आपने शिकायत की इसको अधिकारियों की? 2007-08 में यहाँ सीसी करंजा हुआ था, तो अधिकारियों से बातचीत हुई हमारी। अधिकारी से बातचीत हुई तो उनका कहना यूँ है कि DPR में जो लिया गया है, मतलब पहले जो सीसी खरंजा हो गया है उसको अपन सीसी खरंजा नहीं कर सकते। लेकिन गांव के लोगों की समस्या ये है कि यहाँ पे मंदिर का चौक है, प्रांगण है, यहाँ पे सब पूरा काम होता है, यानी जो भी कार्यक्रम होता है सब मंदिर में यहीं होता है, और यहाँ इतनी गंदगी भी फैली हुई है। और सफाई तो अपन करवाते हैं, लेकिन 2-4-8 दिन भी फिर वापस हो जाता है कीचड़ की।